हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेडी एंड वर्षू। एंड आज हम आपके लिए एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे वॉल का ये प्रोफेशनल ट्रिमर, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम ट्रिमर है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चेक करते हैं इसकी आउटर पैकिंग कैसी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी आउटर पैकिंग काफ़ी प्रीमियम है। फ्रंट में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, ये 60 मिनट चार्ज में 75 मिनट तक चलता है। मेड इन USA प्रोडक्ट है, कॉर्ड एंड कॉर्डलेस प्रोडक्ट है, तो कॉर्ड के साथ भी चलेगा और कॉर्डलेस भी चलेगा। साथ में आप ये देख सकते हो, इसके साथ में डिटैचेबल ब्लेड्स आती हैं। प्रो लिथियम सीरीज है, जिसका मतलब है कि इसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है, जो कि 2x लॉन्गर लाइफ है इसकी बैटरी की, तो ये बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होगी। इसका मॉडल है बेसिकली बैरेट। मॉडल नंबर मैं आपको बाद में अभी दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली मॉडल नंबर क्या है। ये मैंने अमेजोन से लिया है और अमेजोन की सेल चल रही थी, तो इस ये मुझे पड़ा है लगभग 5,300 रुपये का। इसकी मार्केट वैल्यू जो है, MRP जो है, वो 9,000 है, पर सेल के अंदर ये काफ़ी ही सस्ता पड़ा है। ये बहुत ही प्रीमियम ट्रिमर है, स्टील बॉडी का है। इसको जब हम खोलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। साइड में इसको घुमा के देखते हैं कि इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल के बारे में दिया हुआ है। वॉल जो है कि USA बेस्ड कंपनी है और ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये 1919 से चली आ रही है, तो मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड कंपनी है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, स्पेशली ट्रिमिंग एंड ग्रूमिंग में। सो अगर आप ट्रिमर लेने की सोच रहे हैं, तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप वॉल के प्रोडक्ट्स ज़रूर ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि आप यही प्रोडक्ट लें, बट आप इसके और भी प्रोडक्ट्स देख सकते हो आपके बजट के हिसाब से, और उनके ट्रिमर्स को ट्राई कर सकते हैं। और थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन दी हुई है हर कंट्रीज़ के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्लोबल कंपनी है और ग्लोबली प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, तो काफ़ी बड़ी और रेनाउंड कंपनी है, स्पेशली ग्रूमिंग कैटेगरी में। यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स के अंदर क्या क्या आइटम मिलेगा। जब हम इसको अनबॉक्स करेंगे तो हम एक एक आइटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस आइटम का क्या यूज़ है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको अनबॉक्स करते हैं और अपना ट्रिमर चेक करते हैं। पैकिंग देखने में ओवरऑल काफी स्ट्रांग है, अच्छे से पैक किया हुआ है। मैंने ट्रिमर बाहर निकाल लिया है, उसको यहाँ रख देते हैं। तो बॉक्स को मैंने साइड में रख दिया है और ये कुछ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, बेसिकली गाइड है कैसे यूज़ करना है। ये वारंटी कार्ड है इसके साथ। और अब हम एक एक करके सारे चीज़ें निकाल लेते हैं। ये जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रांडिंग है, ये से कहते हैं चार्जिंग डॉक। बेसिकली ये चार्जिंग स्टेशन है, इस पर आप ट्रिमर रख के चार्ज कर सकते हो। ये कुछ आइटम्स दिए हुए हैं पन्नी के अंदर हैं, जो कि मैं इसको फाड़ के निकाल लेता हूँ ताकि आप देख पाओगे क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने एक पन्नी खोल ली है और उसमें चार कोम निकली है। ये चार कोम डिफरेंट साइजेस की है, 1-4 नंबर की है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने हेयर कटिंग के लिए और जब बियर्ड बना रहे होगे तो। डिफरेंट साइजेस की है। स्ट्रिमर की ये खासियत है कि ये जीरो ट्रिम भी करता है, तो बहुत जो क्लोज आपको अपनी बियर्ड बनानी हो तो बहुत ही अच्छे से ये क्लोजली इक्वलेंट टू शेव ये ट्रिम कर देगा आपकी बियर्ड। फिलिप्स की जो ट्रिमर आते हैं वो जीरो लेवल तक नहीं कर पाते हैं, बट इस ट्रिमर की ये खासियत है कि ये जीरो लेवल तक ही कर लेते हैं। राइट में आप जो पन्नी देख रहे हो, इसमें ऑयल दिया है और एक छोटा सा ब्रश दिया है। बेसिकली ऑयल और ये ब्रश ट्रिमर को क्लीन करने के काम आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जितनी बार भी इस ट्रिमर को यूज़ करोगे फॉर योर हेयर कटिंग और प्रोबेबली फॉर योर बियर्ड, आप एक बार ही इसको ऑयल ज़रूर कर लें, इससे आपकी ट्रिमर की लाइफ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट जो यहाँ पे एक पन्नी दी हुई है, इसमें एक चार्जर दिया हुआ है, बेसिकली ये चार्ज करने के काम आएगा इस ट्रिमर को, तो इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ट्रिमर, इसको हम निकाल लेते हैं और इसके बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं ताकि हमारा कैमरा जो है सिर्फ ट्रिमर पे फोकस करे और ना कि बॉक्स पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है, काफ़ी रोबस्ट भी लग रहा है, काफ़ी स्ट्रांग बिल्ड है इसकी।
पूरा स्टील का बना हुआ है, लुक वाइज भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेड कलर का, ये प्लास्टिक का कुछ चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ये बेसिकली जो है ये इसकी ब्लेड को प्रोटेक्ट करता है, उसको हम ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं और इस रख सकते हैं ऐसा है। तो बेसिकली ये इसका काम यही है कि जब भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो इस ट्रिमर को तो इसके ऊपर लगा दे ताकि इसकी ब्लेड्स को कोई नुकसान ना पहुँचे और ये लंबे समय तक चल सके। तो ओवरऑल आप देखो इसको, काफ़ी क्लीन, बहुत ही सुंदर, प्रीमियम क्वालिटी। यहाँ पे वॉल की ब्रांडिंग है प्रो लिथियम बैरेट, जो कि इसका मॉडल है, लिथियम आयन पे चलता है, एक प्रोफेशनल ट्रिमर है। तो मेजरली आप ये ट्रिमर देखोगे कि बड़े सलून लाइक एफिनिटी और लैक्मे के सलून, वहाँ पे प्रोफेशनल इसे यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रिमर है, मैंने भी एफिनिटी में देखा था, तब से मेरा मन था इसे लेने का और आज फाइनली मैंने ये ट्रिमर खरीद लिया है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक पूरे हाथ में आपका मुट्ठी बन करके देखो तो पूरे हाथ में आ जाता है, काफ़ी छोटा भी है साइज में और ये बहुत ही साइलेंट ट्रिमर है। तो बाकी ट्रिमर के कंपैरिजन में जब आप इसको चलाते हो तो ये बहुत ही लो नॉइस प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू अदर ट्रिमर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो कुछ ऐसा दिखेगा ये जब इसको आप डॉक पे चार्ज करो, तो आपको कुछ करना नहीं है, इस ट्रिमर को उठा के सिर्फ ऐसे इस डॉक पे रख देना है और चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेक श्योर कि ये चार्जर आपके डॉक में कनेक्टेड हो और पावर सॉकेट में कनेक्टेड हो बिफोर यू पुट दिस ऑन दी डॉक स्टेशन, ना चार्जिंग नहीं होगी अगर आप इसके प्लग करना या ऑन करना बंद कर दोगे। सो अब आप इसको चार्ज कैसे करोगे, इसको चार्ज करने के दो तरीके हैं। एक, आप यहाँ पे डायरेक्ट प्लग लगा सकते हो चार्जर का और चार्ज कर सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, जो कि मोस्टली आप देखोगे लोग नहीं करना चाहेंगे, इजी तरीका ये होगा कि आप चार्जर जो है वो इस डॉक में डालो यहाँ पे, और उसके बाद इसको नीचे रख दो और इस ट्रिमर को उठा के सीधे यहाँ रख दो, तो ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा आपके टेबल पे और चार्ज भी बड़े आराम से होगा, बार बार तार निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यूज़ कर रहे हो उसको ऐसे उठाया, थोड़ा देर के लिए यूज़ किया, वापस रख दिया और चार्जिंग स्टार्ट हो गई। तो सलून्स में स्पेशली ये बहुत कन्वीनियंट होता है, जहाँ पे ये दिन में 8 घंटे का यूज़ होता होगा या ज़्यादा यूज़ होता होगा, बार बार तार निकालना तार लगाने से अच्छा है कि आप इसको ऐसे उठाओ और वापस रख दो, जो कि बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट होता है प्रोफेशनल्स के लिए। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये कॉर्ड एंड कॉर्डलेस ट्रिमर है, तो इन केस अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो आप सीधे कॉर्ड में लगा के इसको यूज़ कर सकते हो, आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्विकली चार्ज भी करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट या 2 मिनट के चार्ज में, यह आपको 5 से 10 मिनट का यूसेज टाइम दे देता है, तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है इसका। तो अगर आप ट्रिमर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करके वॉल का ट्रिमर ले लो, इसकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग है, एक बार पैसे लगेंगे बट ये वर्थ इट है और आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस ट्रिमर को यूज़ करने के लिए। तो इस वीडियो में आज के लिए ही इतना ही, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में अपने क्वेश्चन पुटअप करें एंड आई विल आंसर दोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, बट ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन सी माई फ्यूचर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।